मैं फकीरुल्ला जो सृष्टि में सबसे तुच्छ हूँ गायन वादन के रसिकों की सेवा में ये निवेदन करने का मान प्राप्त करना चाहता हूँ कि सन 1073 हिजरी में इस दीन की दृष्टि में एक ऐसी प्राचीन पुस्तक आई जिसकी प्रतिलिपि उसके लेखक के समय में हो गई थी और उस पुस्तक का नाम मान कुतूहल था। कहते हैं कि सबसे पहले ध्रुपद का प्रचार राजा मानसिंह ने किया जो ग्वालियर का शासक था। उसके समय में अनेक अनुपम गायक थे। राजा स्वयं उनसे संगीत विद्या के विषय में वाद विवाद करता था। इन प्रसिद्ध गायकों के नाम थे नायक बक्षु, नायक पांडवीय जो गंगा के किनारे कुरुक्षेत्र स्नान करने आया था, मोहम्मद लोहांग जिसका स्वर उच्च कोटि का था, तथा नायक कर्ण। राजा के हृदय में ये बात उत्पन्न हुई कि ऐसे उच्च कोटि के गायक एक स्थान पर बहुत कठिनाई से एकत्रित होते हैं, इसलिए उचित है कि रागों की संख्या तथा प्रकार विस्तार पूर्वक व्याख्या सहित लिपिबद्ध कर लेना चाहिए। ग्वालियर का राजा मानसिंह तोमर अपने किले के सामने Mm-hmm.
कान तरवार तार की सिपर लिए फिरत गुनी जहां तहां जीते सुभट अपने अनुमान जहां तहां जीतत तुरत सुर कमान बोल बान छूटत जही लागत रीझत तही सभा जाने विद्याधर सब जुरत सप्तक के तरकस उचरत सुनत नेजा आसमान बख्तर बाजू लय उपज नई पंख बाजू फुरत तहां सभा के बीच नरत हरिदास डागर ज्यों ज्यों कहे त्यों त्यों सुनो सुगर सुज्ञान अज्ञान आगे फौजे मुरत ध्रुपद में अलाप हो या पद शब्द विकृत नहीं होना चाहिए जैसे एक स्वर आ रे ना री
हो जाते हैं जैसे दूसरा भाग Thank you.
ना डर आदि संगीत के दो पक्ष, पहला प्रकृति और अस्तित्व का उत्सव मनाता, बदलती ऋतुओं, जन्म, विवाह और मृत्यु के जीवन चक्र को लयबद्ध करता, दूसरा बलि तथा अन्य अनुष्ठानों का साथ देता संगीत। इन्हीं दो पक्षों से छंद का जन्म हुआ। मगध साम्राज्य का समय आते आते जनजातियों के गण टूट गए और उनकी जगह प्रकट हुए गांव और नगर राज्य। गांव नगर राज्यों के लिए कृषि उत्पादन केंद्र बने। इस प्रकार आदि संगीत का पहला पक्ष गांव में लोक संगीत का रूप धारण करने लगा, जो कृषि और जीवन चक्र के उत्सवों से जुड़ा था, और आदि संगीत का दूसरा पक्ष अपनी मूल विधा से अलग होकर नगर राज्यों में एक स्वतंत्र शास्त्रीय रूप धारण करने लगा।
Nah.
ब्राह्मणों और उपनिषदों के समय ही संगीत में शास्त्रीय विधियों और निषेधों का समावेश हुआ। दो प्रमुख रचनाएं भरतनाट्य शास्त्र और दत्तिलम शास्त्रीय संगीत के जन्म और विकास की सूचना देती हैं। भरत का नाट्य शास्त्र मुख्यतः नाटक से संबंधित होते हुए भी संगीत की पूरी जानकारी देता है। भरत ने गांधर्व को
गान संगीत से अलग माना। गान नाटक से संबंधित है और उसकी रचना ध्रुवों में हुई, जबकि गंधर्व का गायन संध्या के पूर्व रंग में विशुद्ध संगीत के रूप में हुआ। दत्तिल का दत्तिलम पूरी तरह गंधर्व संगीत के बारे में है और स्वर एवं ताल के अंतर्गत इसका अध्ययन है।
ऐसो लियो नादगढ़ महाचंड आरोही अवरोही अस्थाई संचारी महाविकट निपट अति आगत छहो राग बुर्ज भय तीसों भार्य के कोट इक्कीस मूर्छना रंग बाईस सूरत के कंगूरे तीय के नीके लागत सप्त सुर सप्त पौर औड़व शाड़व के किवाड़ तामे कर ताल चलत गोला ओला भयो नाद जागत धुर पद की चारों तुक चतुर दिशा में चुनौती दीनो ऐसे ही वाको कीनो नयो रंग जल भरी राखे कंठ गुणी के रिसाले लाल के गुण पागत हरिदास डागर गुरुन गुरु ज्ञान कहे ऐसे जैसे लरे झगरे रच पच अटूट टूट में रीछ देत हीरा मोती रतन फल लागत ध्रुपद अपने आधुनिक रूप में 1000 वर्ष पहले प्रकट हुआ। अपने इस रूप में भी यह तीसरी शती की परंपरा से पूरी तरह जुड़ा हुआ था। ये तथ्य 14वीं शती के ग्रंथ संगीत रत्नाकर से भी स्थापित होता है। श्रुति स्वर ग्राम मूर्छना तान वृत्ति साधारणा जाति वर्ण अलंकार और ताल से संबंधित संगीत रत्नाकर के अध्यायों में वही जाना पहचाना शास्त्रीकरण दिखाई देता है। 2000 साल पुराने सूत्रों का आज भी व्यावहारिक रूप में प्रचलन निसंदेह महत्वपूर्ण है।
बहुत से घराने हैं, लेकिन किसी किसी समय एक ही घराने में जब ये राग बजाते हैं, कई जगह अलग अलग वातावरण इसका होता है कि जैसे घर में बजाया, बाहर महफिल में बजाया, कभी छोटी सी महफिल में बजाया, और थोड़ा फर्क आ जाता है कि हिंदुस्तानी म्यूजिक बंधावा नहीं है। अगर इसको बांध दिया जाए तो ये खत्म हो जाएगा। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, फिर उसके बाद बहुत बड़ा विस्तार है और बड़ा खूबसूरत है। कहते हैं हर एक राग में श्रुति का प्रयोग एक खास तरीके से किया जाता है। जी हाँ, श्रुति तो अनहद है, लेकिन किसी किसी जगह मैं थोड़ा सा आपको इसका कांभोजी में बताता हूँ। निषाद के अंदर
ऐसा चलता है कि एक वादक हो, एक शास्त्रकार हो और दो गायक हो। मेरे दोनों दादा गाते थे तो वो शास्त्रार्थ करते थे, इनायत खान साहब, बैराम खान साहब के पोते। उसके बाद मेरे पिताजी नसुद्दीन खान साहब गाते थे तो उनके लड़के थे यासुद्दीन खान साहब, वो शास्त्रार्थ के लिए बैठे थे। तो ये ट्रेडिशन तो हमारे यहाँ हमेशा रही है। घर की तालीम में ये हुआ कि तुम्हें 5 साल में 2 राग करते हैं बस। फिर तो यमन सीखा और सवेरे भैरव सीखा, तो ज्यादा ज्यादा उन्होंने कहा कि दोपहर एक राग बोल ले लो कोई भी, तुम सारंग मारा। मूर्छनाओं में ये कि हर सुर अब अपना सप्तक बनाता जाता है, जैसे अभी है सा, अब ये सा तक आया, अब रे से चलेगा, इसी तरह से ग से ग, म से म, प से प, इसके आर और दोनों करते हैं। तुम रब तुम साहेब तुम ही करता, घट घट पूरन जल तल बरबार। तुम रब तुम साहेब तुम ही रही, तुम ही करीम, तुम ही रहीम, ही करीम, तुम ही जगत गुरु बलिहार। कहत मिया कान तेन को जगत को है बरबार। तुम रब तुम साहेब तुम रब, तुम रब तुम साहेब तुम रब तुम साहेब तुम, तुम रब तुम साहेब तुम ही करे तारे करे। तुम रब तुम साहेब तुम रब तुम साहेब तुम ही गरीम, तुम रब तुम साहेब तुम रब तुम साहेब तुम रब तुम साहेब तुम रब तुम रब तुम रब तुम रब। कान के मतलब होते हैं, कान शब्द है बहुत पुराना है, इसका भरतनाट्य शास्त्र में भी है, संगीत रत्नाकर में भी। आजकल कान ख्याल वाले जो यूज करते हैं आकार, उसको भी तान कहते हैं। ध्रुपद की तान अलग होती है, ख्याल की तान अलग होती है। ख्याल की तान भी है जरा, अब ध्रुपद की तान। उपज का जैसे अस्थाई यंत्रों के बोल हुए उनको कटिंग करना और स्वरों में गाना, ताल में लाना, अब ये आलाप है। अब इसी में बोल आ जाते हैं उपज।
खास फर्क नहीं है, थोड़ा ही थोड़ा गतियों का अंतर है। जैसी मुझे मालूम आते मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। यहां तो हमारे यहां रहते हैं, उनके यहां अल्फाजों की गति है। अब जैसे हमारे यहाँ की जो डागुर वाणी है साधारण है, Bye.
कायम कर दी थी कि कलाकार चाहे तो वो आके अपना रियाज करें, बैठे गाय बजाए आनंद लें। और जब राजा को सुनना होता तो वो जगह अलग थी जहाँ राजा सुनते थे। और दो दो चार चार घंटे सुनना, शास्त्रार्थ होना, सवाल जवाब होना, अलग अलग स्थान बने हुए थे। भाई ये द्रौपदी हैं, ये ख्याली हैं, ये तंत्रकार है, सबके स्थान अलग अलग बने हुए थे। और अपना वो काम करते थे, बस सैलरी लेना, तनख्वाहें लेना, रियाज करना, बच्चों को सिखाना, खाना, आनंद करना। उसके बाद ये सडनली खत्म हो गई रियाजतें, तो कुछ बॉम्बे चले आए, कुछ दिल्ली चले गए, कुछ कलकत्ता चले गए। बैराम खान साहब थे बहादुर शाह जफर की, वो वहां से चले गए लाहौर राणा रणजीत सिंह के पास, उनके पास रहे, उनके उस्ताद रहे। वहां से उनको बहुत बड़ी टाइटल मिली, वहाँ उन्होंने काफी शिष्य अपने सिखाए। जैसे गोखी बाई थी वो उनके शिष्य थी, अलिया फतू वो उनके शिष्य थे, एक छज्जू खां थे, एक हैदर खां धार वो थे, और एक हैदर बख्श थे जो सरंगी बजाते थे, अब्बन खां थे उनके शागिर्द, और उनके खुद के लड़के उनके शागिर्द, ग्रांडसन उनके शागिर्द, और मेरे दोनों दादा जो थे वो भी उनके शागिर्द। तो उसके बाद वो पटियाला होते हुए अलवर आए, जब अलवर में आए तो महाराजा राम सिंह को मालूम हुआ कि बैराम खां नाम के बड़े विद्वान आए, तो उन्होंने उनको बुला लिया जयपुर में, कुछ जागीर दे दी, उनकी तनख्वाह भी बांध दी। और वहीं से हमारी फैमिली उदयपुर में मेरे ग्रैंडफादर दादाजी गए, जाकुद्दीन खान साहब और अलाउद्दीन खान साहब दोनों। फिर तो जब तक वो रियासतें थी तब तक हम लोग सब एक साथ इकट्ठे होते थे, बैठते थे, चर्चाएं करते थे, बात करते थे, सब कुछ करते। जब रियासतें खत्म हो गई तो हम अलग अलग शहरों में चले गए, और अभी भी कोशिश रहती है कि जब भी हम मिलते हैं तो वही चर्चाएं करते हैं। और इसी चर्चा में हम लोगों ने अपना ध्रुपद अभी तक कायम रखा है। बाकी बहुत से घराने जो है वो ध्रुपद से ख्याल में आ गए, कोई तंत्र में चला गया, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। एक ये दूसरा ये कि रियासतों में रहे ध्रुपद ये ज्यादा बाहर कम आए, लोगों को सुनने की भी इसकी आदत कम हो गई। अब इसका प्रचार कुछ ऐसी ध्रुपद के सम्मेलन होने लगे कि जो जितने दुर्लभवादी हैं, दुर्लभ शैलियाँ हैं, उनके भी काफी अच्छा प्रचार हो गया। Thank you.
Today.